बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अरीका किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए गजरेला की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, जिसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो गाजर, 1.5 किलो मैंने लिया है फुल फैट मिल्क लिया है, और 0.5 किलो मैंने ली है हैवी क्रीम, ये मार्केट में आराम से आपको मिल जाएगी। उस 1 कप मैंने ली है चावल, मैंने इनको 1 घंटा पहले भिगो दिया था, और मैंने ये 1 कप भर के मैंने ये ली है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गार्निश के लिए मैंने ये कोकोनट ली है, ड्राई कोकोनट, और ये बादाम और थोड़े से पिस्ता। मेरे बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते, इसलिए मैं इनको कम यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर। मैंने ये एक पतीला ले लिया है, इसमें मैंने दूध चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है, मैंने तब तक ये चावल धो लिए हैं, और इनको हाथों की मदद से ऐसे इनको मसल देंगे, मतलब तोड़ देंगे इनको। देखिए दूध पे हमारा जो सा वो सही गर्म हो गया। अब इसमें हम अपनी जो गाजरें हैं वो ऐड कर देंगे, और चावलों को मैंने अच्छे से हाथों की मदद से जो सा है वो मैश कर लिया था, इसको भी ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम 20 मिनट तक जो सा है वो पकाते रहेंगे, और थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। देखिए इसको जब आपने हिलाना है तो चम्मच की मदद से ऐसे चावलों को ना मैश कर देने कि चावल और जो गाजरें हैं वो एक जान हो जाएं। चुके ये देखें, ये चावल और गाजरें जो सी हैं वो हमारे गल चुके हैं। अब इसमें हम ये अपनी जो क्रीम है वो ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे ये इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसको हम 10 मिनट और पकाएंगे, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब इसमें हम चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी जो सी है वो मेल्ट होगी, इससे ये जो सा है पानी सा लिक्विड मतलब थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो हमने इसे तकरीबन 10 मिनट और पकाना है, और जो सी ये इसे हम जो है मीडियम आंच पे पकाएंगे। फुल आंच पे हमने नहीं रखना, जितनी देर हमने गजरेले को बनाना है हमने इसे मीडियम टू लो आंच पे ही पकाना है। ये मुझे चम्मच हिलाते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। तो आप लोगों ने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है, क्योंकि जब चीनी डल जाती है तो खीर नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो जब आप चीनी डालें तो आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, जब तक हमारी खीर गाढ़ी ना हो जाए। 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब जो मैंने बादाम काट के रखे थे उसमें से आधे मैं जो उनसे इसमें ऐड कर दूंगी, और आधे गार्निश के लिए रख दूंगी। देखिए ये गजरेला हमारा जो सा रेडी है। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, और मैं साथ ही इसमें जो सा कोकोनट जो है वो ऐड कर दूँगी। जो बादाम और हमारे पिस्ता था ये थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। ये मैंने एक बाउल जो है इस तरह गार्निश कर लिया है। दूसरा बाउल ये मेरे पास कैरमल नट्स हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं। ये बाज़ार में भी मिल जाएंगे, मगर ये मैंने खुद बनाए हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। ये बहुत क्रंची और बहुत मज़े का टेस्ट आता है इनसे, और ये आप लोगों ने जब सर्व करना है उस वक्त ही इनको डालना है, वरना क्योंकि ये मेल्ट हो जाएंगे। तो मैं अभी बच्चों को सर्व करने लगी हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। जाने से पहले
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।